नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखे। तो आज मैं इस हाथ के रिगार्डिंग एक बहुत इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दूंगा। तो पूरे हाथ को हम पढ़ेंगे और अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली हाथ पढ़े जाते हैं और पामिस्ट्री से रिलेटेड हर नॉलेज आपको दी जाती है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, उसको फॉलो करके हमारे साथ मैसेज के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं। मेनली जो है जातक की उम्र जो है 27 साल हो चुकी है और हम देखेंगे कब तक यहाँ पर अच्छी चीज़ें आएंगी और क्या कुछ इनकी लाइफ में होगा आगे चलकर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे फिंगर्स की, उसको माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाथ आप यहाँ पर देखें, हाथ जो है तो स्क्वायरिश है, हाथ तो बिल्कुल स्क्वायरिश है। तो यहाँ पर मेहनत है, मेहनती हाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिंगर्स की प्लेसमेंट हम देखें तो फिंगर्स की जो प्लेसमेंट है वो भी अच्छी है, एवरेज फिंगर इसको मैं मानूंगा। और सबसे जो हाई सेट फिंगर है वहाँ पर गुरु की फिंगर आपको दिखेगी। तो गुरु की फिंगर हाई होने से जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं जातक में, तो टीचिंग क्वालिटी हैं अच्छी हो जाती हैं। तो टीचिंग फील्ड में अगर प्रयास करें तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर शनि फिंगर की बात करूँ तो शनि की फिंगर थोड़ी छोटी हो रही है लेंथ में, तो उसकी वजह से जो है पैसा जो है थोड़ा सा एवरेज आता है, पैसा टिकने की क्षमता है वो कम हो जाती है। वो यहाँ पर फिंगर्स में भी दिख रहा है, फिंगर्स में भी आपको यहाँ पर देखिए गैप देखने को मिलेगा सभी फिंगर्स में, जो बताता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट नेचर है। दूसरों से जल्दी जातक घुल मिल नहीं पाता है और थोड़ा सा अपने फैसले खुद ही लेना ज़्यादा पसंद करता है। और पैसे की स्थिति भी देखी जाती है, पैसा जो है आएगा एवरेज में आएगा, लेकिन पैसा टिकेगा कम, टिकने की क्षमता जो है कम रहती है जातक में। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैंने एक कॉमन बात देखी है, जिस जातक की फिंगर्स में आपको गैप देखने को मिल रहा है उनकी थोड़ा सा हेल्थ वाइज ही प्रॉब्लम रहती है, ऐसा देखने को मिला है कि किसी तरह की जो अंदरूनी इन्फेक्शन है, शारीरिक एलर्जी है, उनको जातक को रहती है। तो ये यहाँ पर इनकी फिंगर्स में भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं लेंथ वाइज बात करूँ तो शनि की फिंगर जो है थोड़ी छोटी हो रही है, जैसे आपको बताया मैंने, थोड़ा किस्मत का जो साथ है वो थोड़ा मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा। अगर फिंगर्स जो है लंबी हो जाती है, खासतौर पर शनि की फिंगर, तो उसमें किस्मत का साथ जल्दी मिल जाता है। लेकिन हम बात कर सकते हैं कि इनका भाग्य उदय अगर हम देखें तो कम से कम 32 से 35 की एज में ही होने के चांसेस हैं, उससे पहले भाग्य उदय नहीं होगा। 32 से 35 की एज तक ही जो प्रॉपर भाग्य उदय है वो होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पर सूर्य फिंगर की बात करें, सूर्य की फिंगर थोड़ी सी छोटी हो रही है, तो यहाँ पर मान सम्मान पाने में थोड़ी सी जो है थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। जैसे मैंने आपको कहा भाग्य उदय से ही सब कुछ होगा, भाग्य उदय यहाँ पर थोड़ा सा 32 से 35 की एज में ही दिख रहा है सभी फिंगर से। तो यहाँ पर आप देखें कि सभी माउंट जो हाई सेट है, जो जो यहाँ पर फिंगर है बुध की, वो थोड़ी सी लो सेट हो रही है। लो सेट होने के कारण क्या होता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है जातक में, और थोड़ा सा शर्मीलापन, जातक जल्दी खुल नहीं पाता है, किसी से बात करने में थोड़ा सा झिझकता है, अपनी बात को आगे रखने में थोड़ा सा झिझकता है, या फिर हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल हमेशा कम रहती हैं ऐसे जातक की। तो ये यहाँ पर देखने को मिला, ये तो एक स्ट्रगल का कारण भी बनती है, खासतौर पर रिलेशंस में। अगर मान लीजिए किसी से आप रिलेशन जोड़ते हैं या फिर किसी भी आप रिलेशन में हैं, उसकी तरफ से भी रिस्पॉन्स अच्छे मिलते नहीं हैं, या फिर हम कह सकते हैं बार बार रिश्तों का टूटना, ये भी बुध पर्वत अगर नीचे झुक जाता है या फिर फिंगर छोटी हो जाती है या फिर फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुँच पाती, तो इसका कारण ये बनती है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं थंब की बात करूँ, थंब जो है स्ट्रेट है, ज़्यादा थिकनेस इस पर नज़र नहीं आ रही है, तो आपको यब का सिंबल भी आपको दिखने को मिलेगा। तो यब का सिंबल है लेकिन यहाँ पर खुला हुआ है, खुला होना है मतलब थोड़ा सा पैसे का हाथ में ना टिक पाना, तो ये कंडीशन हाथ में बनती हुई आपको नज़र आएगी। चलिए हम आगे देखते हैं माउंट्स को, माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं। पहले आप यहाँ पर गुरु पर्वत को देखें, तो गुरु पर्वत सबसे अच्छा है इनका, तो गुरु पर्वत यहाँ पर अच्छा है। तो मतलब अगर लाइफ में विवाह करवाते हैं, या फिर विवाह तो होगा ही होगा, विवाह होगा तो वो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा इनका, और अच्छे परिणाम जो है उस जीवन से या फिर विवाह से उनको मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है
कि आपको ऐसी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। तो ज़्यादातर क्या है, दया भावना अच्छी है, दूसरे का बुरा करना ऐसे ज़्यादा कभी सोचता नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अच्छे फल यहाँ पर देंगे, कोई ऐसा जो है स्पेशल साइन यहाँ पर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और हल्का से क्रॉस बनता हुआ, लेकिन ये क्रॉस प्रॉपर नहीं है, तो ये थोड़ा हल्का सा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा रहने वाला है। आप ज़रूर उस फील्ड में, टीचिंग फील्ड में ट्राई करें, उसमें सक्सेस मिलने के चांस काफ़ी हद तक हैं। मतलब कोई ऐसा फील्ड जहाँ पर कोई शिक्षा बांटने की ज़रूरत होती है, कोई इंस्टीट्यूट आप चला सकते हैं जिसमें शिक्षा बांट सकें, कोई सिलाई कढ़ाई का काम सिखा सकते हैं, मतलब जो भी ऐसा काम जो सिखाने की ज़रूरत हो, जिसमें आपके नीचे वर्कर काम करते हैं या फिर आपके नीचे जो व्यक्ति काम करता हो आपको सिखा पाएँ, उस फील्ड में आप अच्छे कर सकते हैं, उस फील्ड में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ऐसे ज़्यादा पॉलिटिक्स क्षेत्र में भी जा सकता है, उसमें भी सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। चलिए आगे हम बात देखते हैं कि शनि पर्वत को। शनि पर्वत थोड़ा सा उभार है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके शनि फिंगर पर लेंथ कम हो जाती है तो उभार यहाँ पर बढ़ जाता है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उभार थोड़ा सा बढ़ गया है। तो मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया कि शनि पर्वत थोड़े से दबे हुए ही अच्छे लगते हैं, अगर इस पर उभार बन जाता है, अगर उभार हो जाता है, तो जहाँ तक फालतू में काफ़ी ज़्यादा जो सीरियसनेस जो है बढ़ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डीप सोचने लग जाता है हमेशा, कभी ना कभी किसी ना किसी परेशान छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर हमेशा चिड़चिड़ापन, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी ना किसी व्यक्ति से या फिर किसी ना किसी बात को अपने दिल पे लगा लेना, ऐसी फितरत बन जाती है। तो इसके आप रेमेडीज़ कर सकते हैं, अगर शनि थोड़े दबे हुए हैं तो अच्छे फल देते हैं, थोड़ा सा भार इस पे आ गया है तो नेगेटिव फल जरूर देंगे, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो भाग्य रेखा, ऐसा नहीं कि भाग्य रेखा पहुँच रही है, भाग्य रेखा यहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रही है, तो आगे चल के और मैच्योरिटी यहाँ पर हाथ में आएगी, लेकिन इस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें अच्छी दिख रही हैं लेटर एज में। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत जो है दबे हुए नहीं है, ये अच्छी बात है। इसके ऊपर आपको एक सूर्य रेखा दिखेगी जो और प्रोमिनेंट हो रही है, बाद में डबल सूर्य रेखा आपको यहाँ पर बनती हुई दिखेंगी, प्रोमिनेंट हो रही हैं, लेकिन ये प्रोमिनेंट हो रही हैं 35 के बाद और यहाँ पर प्रोमिनेंट होती हुई नज़र आ रही है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो 30 के बाद वाला जो पीरियड है, 30 के बाद वाली जो लाइफ है काफ़ी अच्छी इनके रहने वाली है, किस्मत भी अच्छा साथ देगी, लेकिन हेल्थ वाइज नहीं अच्छा है, हेल्थ वाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कैरियर वाइज अच्छे चीज़ें इनको देखने को मिल सकती हैं, उस तरफ प्रयास कर सकते हैं, तो अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। अगर बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत ठीक है, कोई दबाव नहीं है, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई लो सेट है अमाउंट, लेकिन पर्वत की बात करें इस पर कोई अच्छा नहीं है, कि ट्रायंगल का निशान आपको बनता हुआ दिखेगा, जो हम कह सकते हैं कि बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा माना जाता है, ख़ास तौर पर ऐसे जातक जो अंदरूनी विद्या है, जैसे हम साइंटिस्ट की बात कर लें, या फिर हम कैसे जो रहस्यमय ज्ञान है उस फील्ड में अगर प्रयास करते हैं, उसमें भी सक्सेस मिलने के चांस काफ़ी हद तक बन जाते हैं, क्योंकि ऐसा रेक्टेंगल अगर बुध पर्वत पर बन रहा है तो ये पैसों के धन के मामले में अचानक से धन दिलाता है, अचानक से भाग्य उदय करवाता है, और रहस्यमय ज्ञान उस क्षेत्र में प्रयास करें तो उसमें सक्सेसता मिलते हैं ऐसी जातक को, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं इनके शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत काफ़ी ओवर डेवलप है, हम कह सकते हैं कि अच्छे चीज़ें ये हासिल कर लेंगे जीवन में, वेल डेवलप है, इसके ऊपर खड़ी लाइनें आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी, जो बताता है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेंगी, काफ़ी अच्छे मौके भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र पर्वत अच्छा हो जाना तो ये जातक को धन दिलाता है, धन तो दिलाता है साथ में ऐश्वर्य दिलाता है, जो लग्जरियस चीज़ें हैं वो दिलाता है, तो वो चीज़ की कमी यहाँ पर नहीं रहने वाली है, वो आप हासिल कर लेंगे, वो चीज़ें आपके जीवन में आ जाएंगी, ऐसा यहाँ पर शुक्र पर्वत बता रहे हैं। अगर यहाँ पर हम चंद्र माउंट की बात करें तो चंद्र माउंट पर आपको लाइनें दिखेंगी, ट्रैवलिंग की लाइनें यहाँ पर हैं, लेकिन आपको आड़ी लाइनें भी दिखेंगी, थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह या एलर्जी लगी लाइनें आपको क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इन्फेक्शन जो है शरीर में ऐसा दिखने को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अगर हम आगे लाइनों की बात करें, लाइनें इनके बारे में पर क्या शो कर रही है, तो आप पहले हम देखें लाइफलाइन को, लाइफलाइन यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है ऐसी चल रही है, और उसके बाद जो है यहाँ से स्प्लिट हो चुकी है, यहाँ से स्प्लिट हो चुकी है, तो इसका मतलब ये होता है कि जातक फॉरेन ट्रैवलिंग करने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, या फिर फॉरेन में बसने के चांसेस इसको भी ये लाइन क्रिएट करती है, क्योंकि यहाँ से स्प्लिट हो चुकी है। अगर यहाँ पर
इनके यहाँ पर आप फिंगर्स को भी आप ध्यान से देखें तो फिंगर्स में भी आपको यहाँ पर थोड़ा तिरछापन दिख रहा है, हल्का सा तिरछापन दिख रहा है, तो ये बताता है कि फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है, फॉरेन सेटलमेंट के योग भविष्य में बनने के चांस काफ़ी हद तक बढ़े हुए हैं। लेकिन हेल्थ वाइज ये चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए हेल्थ वाइज क्या हो रहा है कि जो इनकी लाइन है वो डबल हो रही है, डबल लाइनें अंदर से जा रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो लाइन की थिकनेस है या फिर उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि यहाँ पर इनकी सिस्टर लाइनें भी चल रही हैं, साथ में सिस्टर लाइनें भी काफ़ी हद तक अच्छी चल रही हैं, तो जो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आएगी इसको एक कवर कर लेंगे। लेकिन ज़रूर है कि हेल्थ वाइज प्रॉब्लम इनको आएंगी और वो मेजर आ सकती हैं, क्योंकि लेकिन प्रोग्रेशन की बात करें तो लाइफ लाइन में प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहले तो एक ऑफशूट आप देखें, ये रहा एक ऑफशूट आपको यहाँ पर दिखेगा, एक हल्का सा ऑफशूट आपको यहाँ पर दिखेगा, और ये जो तीन ऑफशूट है इनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर लाएंगे। ये जो ऑफशूट है हल्का सा यहाँ पर बन रहा है, ये कम से कम 28 की एज में बन रहा है, और ये ऑफशूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर 33 से 35 की एज में बन रहा है। ये ऑफशूट यहाँ पर बहुत बड़ा है, ये ऑफशूट यहाँ पर 40 की एज में बन रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 30 के बाद वाला जो पीरियड है काफ़ी अच्छा इनका रहने वाला है और अच्छे परिणाम जो हैं इनको मिलेंगे, लेकिन हेल्थ वाइज नहीं, हेल्थ से कोई डिस्टर्बेंस जो है, कोई ऐसी बीमारी इनको लग सकती है, ऐसा कोई इशू जो है मेजर इनकी हेल्थ वाइज हो सकता है, क्योंकि आपको छोटे छोटे यव के सिंबल भी आपको यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। जो ये मेजर जो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, मेजर इशू आने के चांसेस यहाँ पर हैं 35 से 40 की एज में ही हैं। अभी भी कोई प्रॉब्लम इनको होगी लेकिन मेजर जो है 35 से 40 के साल में जो है मेजर इशू इनको आ सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि वो देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पर ऑफशूट निकला कुछ लाइनों ने यहाँ पर काट दिया, कुछ ऑफशूट निकला यहाँ पर किसी लाइन ने काट दिया, कोई ऑफशूट निकला यहाँ पर किसी लाइन ने काट दिया, मतलब प्रोग्रेस तो है लाइफ में लेकिन परेशानियाँ भी आएंगी, प्रोग्रेस होगा लेकिन परेशानियाँ भी उसके साथ जरूर आएंगी, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं कैरियर वाइज बात करूँ तो कैरियर वाइज आपको दिखेगा कि पहले तो लाइफ लाइन अंदर से स्टार्ट हुई, पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिला, फैमिली का अच्छा हुआ, लेकिन बाद में जो है स्ट्रगल बड़ा है, क्योंकि यहाँ से लाइन स्प्लिट हो चुकी है और अलग डायरेक्शन से, मतलब भारी डायरेक्शन से चंद्र क्षेत्र से लाइन यहाँ पर आ रही है, तो हम किसी को कह सकते हैं किसी की सपोर्ट की वजह से भाग्योदय होगा, या फिर ऐसे जातक का भाग्योदय भी बाहरी क्षेत्र से होता है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसा भी हम जोड़ सकते हैं कि फॉरेन से या फिर किसी बाहरी क्षेत्र से, बाहरी स्थान से ही जातक का भाग्योदय होता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जहाँ पर चंद्र क्षेत्र से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, यहाँ पर भाग्य रेखा स्टार्ट होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर जैसे इनकी एज अभी 27 साल चल रही है, उसके बाद वाला पीरियड देखें तो देखिए यहाँ पर उसके बाद जो लाइन है ठीक चल रही है, लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर देखें 30 के आसपास एक लाइन और यहाँ पर ऐड हो रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 30 के आसपास वाला पीरियड है, 30 के बाद वाला जो पीरियड है काफ़ी यहाँ पर अच्छा इनका रहने वाला है। और अड़चने आपको देखने को मिलेंगी, कुछ राहु लाइनें हैं, जैसे यहाँ पर लाइफ लाइन में आपको देखने को मिली थी ये राहु लाइन एक मेजर लाइन यहाँ पर जो है काट रही है, और यहाँ पर राहु लाइन छोटी छोटी हैं जो यहाँ पर प्रॉब्लमें और क्रिएट कर सकती हैं। और देखिए जो ये राहु लाइनें होती हैं ये अड़चने पैदा करती हैं लाइफ में, या फिर किसी भी काम को बनने नहीं देती, काम बनता बनता जो है रह जाता है, बन नहीं पाता है, या हेल्थ वाइज भी ये चीज़ें परेशान करती हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस एज में। देखिए इस एज में लाइन काट रही है इसको, केयर लाइन को इस एज में भी लाइन काट रही है, और एक लाइन यहाँ पर हल्की सी काटती हुई आपको छोटी छोटी लाइनें दिखेंगी जो एज बन रही है, कम से कम आप मान के जो 30 के आसपास, 35 के आसपास और ये 42 के आसपास। जैसे मैंने वो कहा था कि लाइफ में ग्रोथ तो होगी लेकिन साथ में प्रॉब्लमें भी आएंगी, ऐसा नहीं कि प्रॉपर ग्रोथ होगी उसके बाद प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी, साथ में परेशानियाँ भी लाइफ में जुड़ी हुई हैं। और कैरलाइन जो है प्रॉपर यहाँ तक पहुँच रही है और प्रयास हो रहा है इसका कि शनि पर्व तक पहुँचे, तो 35 के बाद वाला पीरियड काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर हम माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन जो है ठीक है, इस माइंड लाइन को मैं बिल्कुल सही मानूंगा, ना ज़्यादा डिक्लाइन है ना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेट है, बिल्कुल सही माइंड लाइन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर इस एज में, इस एज से लेकर इस एज तक इस पर यब के सिंबल आपको काफ़ी ज़्यादा बनते हुए दिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है नीचे की तरफ जो लाइनें आपको छोटे छोटे बनेंगी, तो ये माइंड लाइन पर जो यब के सिंबल बनते हैं ऐसे आपको दिखेंगे, ये जो है मानसिक तनाव देते हैं,
किसी तरह का मानसिक तनाव बहुत सारा हमेशा चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा सोचना, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाना, या फिर उस एज में चीज़ें नहीं बनती हैं, आपके मन के हिसाब से चीज़ें नहीं बन पाती हैं और हमेशा दिक्कतें रहती हैं। दिमाग से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सोचता है, हमेशा टेंशन में रहता है, क्योंकि ये चीज़ें परेशानी देती हैं, खासतौर मानसिक तनाव और मानसिक परेशानियाँ देती हैं। ये देखिए, ये जो एज बन रही है, मेनली हम देखें तो 25 के आसपास, और ये जो है 32 और 35 के आसपास तक बन रही है। इसमें आपको काफ़ी मेंटली डिस्टर्बेंस और मेंटली परेशानियाँ आपको रहेंगी, ये यहाँ पर मानने वाली बात है। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में लगी रहेंगी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा था कि 35 के बाद वाला जो पीरियड इनका हाथ में लग रहा है वो काफ़ी अच्छा है, उसके बाद कोई ऐसी टेंशन जो है, बड़ी इशू जो है नज़र नहीं आ रहा है, हल्के से रहेंगे। लेकिन ये अभी जो परेशानियाँ चल रही हैं वो परेशानियाँ 35 के बाद यहाँ पर नहीं रहेंगी, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा जो है प्रॉपर यहाँ पर स्प्लिट हो रही है हल्की सी, लेकिन यहाँ पर इसका जो मुख है ये गुरु पर्वत की तरफ है, तो हम कह सकते हैं कि लॉयल है, जाता कि ईमानदार है, किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर किसी से भी रिश्ता जोड़ता है तो वो ईमानदारी से निभाएगा, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर दिखेगा, छोटे छोटे आपके सिंबल बनते हुए। तो ये हाथ जो है प्रोग्रेस के मामले में वो ठीक है, लेकिन हेल्थ वाइज ये हाथ सही नहीं लग रहा, और हेल्थ वाइज प्रॉब्लमें इनको आएंगी। तो आप हमेशा चेकअप वगैरह या फिर कुछ जो है अपने रिपोर्ट्स, ब्लड वगैरह हमेशा चेक करवाते रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लमें हाथ में नज़र आ रही हैं, और अभी जो हेल्थ वाइज प्रॉब्लमें हैं, पेट से संबंधी परेशानियाँ आपको परेशान कर सकती हैं, आँख से रिलेटेड दिक्कतें भी परेशानियाँ परेशान कर सकते हैं, हृदय से संबंधी जो परेशानियाँ हैं उसके भी चांसेस हैं, तो उसको आप ध्यान से देखें। तो अगर हॉटलाइन आपकी दूषित हो जाती है तो सिर्फ आपका रिलेशन ही खराब नहीं, सॉरी यहाँ पर हेल्थ ही खराब नहीं रहती, रिलेशन भी खराब होता है। जहाँ तक रिश्ते तो जोड़ता है या फिर किसी रिश्ते में जाना चाहता है, लेकिन उस तरफ से रिस्पॉन्स या फिर बार बार रिश्तों का टूटना, हमेशा किसी से झगड़ा होता रहना, या फिर हम कह सकते हैं हमेशा जो है कड़वाहट बने रहना, ऐसा देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इनके फिंगर्स पे भी हल्की हल्की आड़ी लाइनें दिख रही हैं, तो ये झगड़े का कारण बन सकता है, या फिर रिश्तों में कड़वाहट का कारण ऐसा हृदय रेखा बनती है। तो कुल मिला के यहाँ पर दिख रहा है कि 35 के बाद वाला जो पीरियड है यहाँ पर अच्छा है, उससे पहले हमेशा संघर्ष रहेगा, मेंटली तनाव, और हमेशा जातक थोड़ा सा फोकस में कमी उस एज तक यहाँ पर रहेगी, लेकिन प्रोग्रेस काफ़ी बड़े बड़े हाथ में लिखे हैं, काफ़ी ऑफशूट यहाँ पर बड़े बड़े हैं, तो लाइफ में तरक्की भी काफ़ी अच्छी है। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है, आप थोड़ा सा हेल्थ का आप ध्यान रखें, समय समय पर आप चेकअप वगैरह करवाते रहें, क्योंकि हेल्थ वाइज थोड़ी प्रॉब्लम हाथ में नज़र आ रही है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर आप हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।